नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार से सबक सीखने के बाद करने वाली मायावती ने अब मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, हार से भड़की मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी टीवी चैनलों की डिबेट्स का बॉयकॉट करेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी का कोई प्रवक्ता अब टीवी चैनल में किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा। बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट कर अपने फैसले की जानकारी दी। यही नहीं, मायावती का कहना है कि मीडिया ने अपने आकाओं के निर्देश पर जातिवादी रवैया दिखा और बीएसपी के मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले करारी हार का सामना करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने ईवीएम को लेकर वायरल ऑडियो को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से संज्ञान लेकर सुरक्षा देने की मांग की है। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया है। यूजीसी के इस फैसले से संबंधित विषय के विशेषज्ञ यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम फेस घोषित किए गए भगवंत मान ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। भगवंत मान का कहना है कि वो 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का यह आयोजन राजभवन में नहीं बल्कि शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर काला में होगा। गवर्नर से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने कहा कि मैंने राज्यपाल से मुलाकात की और विधायकों के समर्थन का पत्र उन्हें सौंपकर सरकार गठन के लिए दावा पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतुराई से बोलते हैं और लोगों का दिमाग बदल देते हैं। लोग उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा कर रहा है तो सच होगा। ये बातें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। गहलोत ने कहा कि विपक्ष को झूठा साबित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम देश की जनता से बात करेंगे और लोगों को सच बताएंगे। केवल इसी तरह से भाजपा को बेनकाब कर सकते हैं। हम गांधी के रास्ते पर चलते हुए सच सामने लाएंगे। इस बार सुर्खियों का विषय भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करने वाली राष्ट्रीय संस्थान नैक से प्राप्त उच्चतम A++ मान्यता है। अमृता यूनिवर्सिटी स्थापना के पश्चात बहुत ही कम वर्षों में यह मान्यता प्राप्त करने में सफल हुई है। यह मान्यता ऐसे कई अन्य उपलब्धियों में जुड़ी हुई है। 2021 में अमृता विश्वविद्यालय को IRF रैंकिंग में 5वां सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया था। भारत में लगातार कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,614 नए मामले सामने आए हैं। 12 मई 2020 के बाद ये एक दिन के सामने आए सबसे कम मामले हैं। वहीं देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,29,87,875 पर पहुंच गई है, जबकि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 40,559 रह गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली भारी सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी के सीनियर नेता सोमनाथ भारती ने कहा है कि आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सदस्यता अभियान शुरू करेगी। दिल्ली में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने नियमों में बदलाव किया है। DDA की नई आने वाली आवासीय योजनाओं में अब वो लोग भी आवेदन कर सकेंगे जिनके पास दिल्ली में अपना घर या अन्य कोई संपत्ति है। हालांकि ये संपत्ति 67 वर्ग मीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान पंजाब के मियां चन्नू शहर में 9 मार्च को अचानक जा गिरी थी। इस पर पाकिस्तान ने अपनी आपत्ति जाहिर की थी और भारत ने इसे गंभीर मसले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया है। इस बीच रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि मिसाइल में एक तकनीकी खामी थी जिसके चलते ऐसा हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मिसाइल का रूटीन मेंटेनेंस किया जा रहा था, लेकिन तकनीकी खामी के चलते उसने अचानक उड़ान भरी और पाकिस्तान में जा गिरी। इस घटना पर रक्षा मंत्रालय ने गहरा दुख जताया है। 4 राज्यों में बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और इसी बीच आज पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि रक्षा क्षेत्र में अब वेल ट्रेंड मेन पावर समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ही इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है। मालदीव में चीन की दिलचस्पी से भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत के पड़ोसी मुल्क मालदीव के साथ हमेशा से मधुर संबंध रहे हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में दोनों देश की नजदीकी चीन को अखड़ती रही है। चीन की बढ़ती गतिविधियों के चलते राजनीतिक रूप से भारत से मालदीव दूर होता जा रहा है। मालदीव में सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी किया जा रहा। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर मालदीव से कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग इंडिया आउट की टी शर्ट पहने भारत सरकार के खिलाफ विरोध जताते नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड में ICC महिला वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, जहां शनिवार को भारतीय टीम अपना 30वां मुकाबला खेलने उतरी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप के 10वें मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
मैच में उतरने के साथ ही वो वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। बतौर कप्तान ये उनका 24वां मैच है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ दिया है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के चुशुल में कोर कमांडर स्तर की 15वीं वार्ता लगभग 13 घंटे तक चली। शुक्रवार रात 11 बजे दोनों देश के सैनिक कोर कमांडरों की वार्ता समाप्त हुई। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया है कि भारतीय पक्ष ने अप्रैल मई 2020 में शुरू हुए सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए क्षेत्र में शेष घर्षण बिंदुओं के समाधान पर जोर दिया है। नवीनतम दौर की वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशुल में हुई है। नवोदय विद्यालय समिति NVS ने 9वीं कक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। NVS ने 9वीं कक्षा के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST 2022 एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर रिलीज किया है। ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले हैं वो आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in से अपने JNVST 2022 प्रवेश पत्र की जाँच करें और डाउनलोड कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का 17वां दिन है। 17 दिन के बाद भी रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के दहेगाम में रोड शो किया है। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां पीएम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे। 7 से 10 मार्च तक भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा था, जिसका शनिवार को समापन किया गया। ये संस्करण विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड और बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। देश में घटते कोरोना मामलों के चलते राज्यसभा और लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे भाग में सामान्य बैठकें फिर से शुरू हो जाएंगी। 14 मार्च से 11 बजे संसद का सत्र फिर से शुरू हो रहा है। हालांकि संसद सत्र में पहले की तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। दोनों सदनों में अधिकांश प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेंगे। दोनों सदन सदस्य के बैठने की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करना जरूरी रहेगा। स्वदेशी दवा कंपनी भारत बायोटेक ने शुक्रवार को कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से अभी तक कंपनी के सप्लाई चेन पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारत बायोटेक ने कोरोना रोधी वैक्सीन विकसित की है और कोवैक्सीन नाम से उसका उत्पादन और वितरण कर रही है। भारत में टीकाकरण अभियान में इसका उपयोग भी किया जा रहा है। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला हर घटक को देश में ही तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जनता को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार का मन बनाया है। एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए फार्मा कंपनियों पर मार्केटिंग के अनैतिक तरीके अपनाने और डॉक्टरों से गठजोड़ कर उन्हें उपहार और प्रलोभन देने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मा कंपनियों के मार्केटिंग के अनैतिक तरीकों को नियंत्रित करने के लिए कानून और दिशा निर्देश बनाए जाने की मांग वाली इस याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। होली के बाद वापसी के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पटना आनंद विहार टर्मिनल सहित 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पुमरे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि विभिन्न स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा, जिसमें पटना आनंद विहार, पटना सुपरफास्ट स्पेशल, जयनगर लोकमान्य तिलक, जयनगर एक्सप्रेशल गया नई दिल्ली, गया सुपरफास्ट एक्सप्रेस सुपर स्पेशल, मुजफ्फरपुर वलसाड मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस स्पेशल, दुर्ग पटना दुर्ग होली फेस्टिवल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल है। केंद्र सरकार ने पीएफ पर ब्याज दर घटाने का काम किया है। सरकारी अधिकारियों की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इस बाबत सरकार ने 2021-22 के लिए ब्याज दर 8.5 से घटाकर 8.1% किया है, जिसकी जानकारी बीते दिन ही सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से साझा की गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार से कांग्रेस को भले ही सूपड़ा साफ हो गया हो, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तेवर में कोई कमी नहीं आई है। उनके बयान में तल्खी अब भी बरकरार है। दरअसल चुनाव के नतीजों में कांग्रेस पूरी तरह हार गई है। हार के बाद कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे गिराने वाले खुद ही गड्ढे में गिर गए। युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन की जैविक परियोजना को अमेरिका फंडिंग कर रहा है। रूस के इस आरोप पर अमेरिका के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन में जैविक प्रयोगशालाओं के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई, जिस पर भारत ने कहा कि जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन के तहत दायित्वों से जुड़े विषयों को संबंध पक्षों के बीच परामर्श और सहयोग के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने आज औपचारिक रूप से देश की लड़ाकू क्षमताओं में सुधार के लिए अपने मित्र देश चीन से प्राप्त बहुउद्देशीय J-10C लड़ाकू जेट को अपनी वायुसेना के बाड़े में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नए जेट विमानों को सेना में शामिल करने को लेकर पाकिस्तान के पंजाब स्थित अटक जिले में पाकिस्तान वायुसेना बेस मिनहास कामरा में आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं क्लास के पहले टर्म की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। पहले टर्म की परीक्षा का परिणाम स्कूलों को भेज दिया गया। बोर्ड ने बताया कि स्कूलों को थ्योरी की परीक्षा के अंक बता दिए गए हैं। स्कूलों के पास इंटरनल और प्रैक्टिकल अंक पहले से ही उपलब्ध है।
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका यूरोप में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी देश में पहले ही हजारों की संख्या में सैनिक भेजे जा चुके हैं। सवाना में हंटर एयरफील्ड में एक स्थान पर 87वीं डिवीजन सस्टेनमेंट सपोर्ट बटालियन और 3री डिवीजन सस्टेनमेंट ब्रिगेड के लगभग 130 सैनिक इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद ये बाहर निकलकर विमान में सवार हुए। बिहार विधानसभा में जुम्मे की नमाज के मद्देनजर हर शुक्रवार को भोजन अवकाश के पहले कम अवधि के सदन के सत्र की परंपरा से इतर सदन की कार्यवाही थोड़ी देर तक जारी रही, जिसका विपक्षी विधायकों ने एक वर्ग ने कड़ा विरोध किया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान सूचित किया कि दोपहर 12:30 बजे के बजाय सदन की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी। चीन के कुछ इलाकों में फिर से कोरोना के एक वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां के चांग चुन और उसके आसपास के इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहां की आबादी 90 लाख बताई जा रही है। ये शहर चीन के पूर्व इलाके में है। खबरों के मुताबिक सभी शहरवासियों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। उन्हें मास टेस्टिंग से गुजरने का आदेश भी दिया गया है। अगर बहुत अधिक जरूरी ना हो तो वह बाहर नहीं निकल सकते हैं। शहर की परिवहन व्यवस्था बंद कर दी गई है। भारत और कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक रूप से वार्ता फिर से शुरू करने का शुक्रवार को सहमति हुई है। इसका उद्देश्य दोनों देश के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। इस मुद्दे पर व्यापार और निवेश पर 5वीं मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के लघु व्यवसाय निर्यात संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मैरी एंजी ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुनु कुमार, रंजीत मिश्रा, मनोहर कुमार, दिव्यांशु कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, सुमन सौरभ, शंकर प्रसाद रॉय, विपिन कुमार रॉय, प्रेम झा, आराध्या कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव में भारत सरकार के रुख से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।